हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्लास 18 ऑफ फोटोडेस्क माया 2020। सो गाइस, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा कैसे हम लोगों ने मेश को बिल्ड किया विद द हेल्प ऑफ नर्व्स। आज की क्लास में हम लोग डिटेलिंग पे काम करेंगे। आज की क्लास थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस बी पेशेंस। और डिटेलिंग अगर आप सीखना चाहते हैं, डिटेल 3D मॉडल बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ पेशेंस के साथ में इस वीडियो को देखें। वीडियो स्किप ना करें। स्किप करके अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। और अगर आप माया के अंदर गुड मॉडलिंग करना चाहते, अच्छी मॉडलिंग सीखना चाहते, तो फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप दैट आई एम शोइंग यू। तो आज हम लोग डिटेलिंग पे काम करने वाले हैं, डिटेल्स ऐड करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसे हम लोग फाइनल मॉडल में कंप्लीट करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू GFX ज्ञान। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर रोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ऑलराइट, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मॉडल को यहाँ तक बना लिया था, जहाँ पे मैंने इस तरह से मेश बिल्ड कर लिया था। ये हम लोगों ने पॉलीगॉन मॉडल बनाया था लाइक दिस। ऑलराइट, एंड अब हम लोग क्या करेंगे, डिटेलिंग ऐड करना स्टार्ट करेंगे। सो वी विल बिगिन विद द टॉप पार्ट, ऊपर वाले पार्ट के साथ करेंगे, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा डिटेल है, तो हम लोग पहले इसे फिनिश करेंगे। बाकी के शेप्स में, ज्योमेट्रीज में उतना ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो वी विल स्टार्ट विद दिस वन। Now, as we can see, अगर मैं यहाँ पे टॉप व्यू में आ जाऊँ, तो वी नीड टू क्रिएट दिस कट, देन हम लोगों को ये इनर पीस है, एंड उसके बाद हमारे पास ये स्क्रोल व्हील है जो हम लोगों को यहाँ पे बनाना है। एंड साथ ही साथ में यहाँ पे ज्योमेट्री में थोड़ा सा और डिटेल भी हम लोगों को ऐड करना है। एज यू कैन सी, ये जो शेप है आगे आने के बाद में इस तरह से जा रहा है, और यहाँ पे ये इस तरह का शार्पनेस और टेपरिंग हम लोगों को मिल जा रहा है। सो वी नीड टू क्रिएट ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो। सो सबसे पहला हम लोग काम करेंगे, इस ज्योमेट्री को सिलेक्ट करेंगे एंड इसे आइसोलेट कर लेंगे। आइसोलेट यानी कि बाकी की चीज़ें हम लोगों को हाइड कर देनी है लाइक दिस। तो मैं यहाँ पे आके क्लिक कर लेता हूँ इस ऑप्शन पे, या फिर आप शिफ्ट आई भी प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट पे। सो इस पे मैंने क्लिक कर लिया, अब ये हमारा ऑब्जेक्ट आइसोलेट हो गया। तो सबसे पहला हम लोग काम करेंगे यहाँ पे, इस पे ये डिटेल ऐड कर लेते हैं। सो जस्ट राइट क्लिक, गो टू एज, डबल क्लिक करते हैं इस पूरे लूप को। एंड वॉट वी नीड टू डू कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इसे एक्सट्रूड करना है नीचे की तरफ। ओके, तो लेट्स गो टू आवर एडिट मेश, एक्सट्रूड, एंड देन वी विल बी एक्सट्रूडिंग इट लाइक दिस। तो इसे मैं थोड़ा सा ऐसे एक्सट्रूड कर देता हूँ लाइक दिस। ओके, तो साइड से भी हम लोग देखेंगे तो ये हमारा एक्सट्रूड हो रहा है, बट वी हैव टू मूव दिस पार्ट्स ऑन टॉप सो दैट ये शेप ऐसा मैच कर सके। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग इसे इतना एक्सट्रूड करके रखते हैं। एंड नाउ इफ यू प्रेस 3, यू कैन सी हमारा जो शेप है, ज्योमेट्री है, यहाँ पे हम लोगों को राउंडनेस अच्छे तरीके से मिल जा रही है। ऑलराइट, सो अब हम लोगों को क्या करना है, इसे अच्छे से मॉडिफाई करना है। एज वी कैन सी यहाँ पे जो शेप है ये कुछ ऐसा है। सो वी कैन जस्ट राइट क्लिक, गो टू वर्टाइसेस, एंड वी कैन जस्ट सिलेक्ट एंड मॉडिफाइड, कैन ऑल्सो मूव इट अप लाइक दिस। यहाँ से आप देखते जाएँ प्रॉपरली, फ्रंट व्यू से, टॉप व्यू से, कि आपका शेप प्रॉपरली हो रहा है नहीं। नाउ एज यू कैन सी, मैं जैसे यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, मेरा अपोजिट साइड का पॉइंट नहीं मूव हो रहा है। रीज़न इज दैट मेरा यहाँ पे सिमेट्री ऑफ है। तो लेट मी जस्ट गो एंड टर्न ऑन द सिमेट्री एंड देन आई कैन मूव इट। सो इससे क्या होगा, जो भी आप मूवमेंट यहाँ पे करेंगे, अपोजिट साइड भी आपका ऑब्जेक्ट और ज्योमेट्री मूव होगा। सो जस्ट लाइक दिस वी विल बी जस्ट मूविंग इट अप लाइक दिस, एंड धीरे धीरे हम लोग इसे स्लाइड करके भी एडजस्ट करेंगे लाइक दिस, सो दैट इट इज़ प्रॉपरली अलाइंड। ठीक है, तभी फिलहाल मुझे सिर्फ टॉप का ही एडजस्ट करना है, नीचे का मुझे नहीं एडजस्ट करना है। आई विल कीप द बॉटम वन लाइक दैट ओनली लाइक सो लाइक दिस। ओके, एंड यहाँ पे भी आपको लग रहा है कि शेप थोड़ा सा फ्लो में नहीं है, तो उसे आप एडजस्ट कर लें। Let's keep it like this and then do it like this. Move it up and like this. Okay, so take your time. ये थोड़ा time लगेगा आपको करने में, but जितना आप उसमें time देंगे उतने अच्छे तरीके से आप उसे बना पाएंगे। ओके, तो यहाँ से आते वक्त थोड़ा सा हम लोग पीछे की तरफ भी इसे ऐसे स्लाइड भी करते जाएंगे, ताकि ये सॉफ्ट होता जाए यहाँ से लाइक दिस। So we'll just keep this thing a little softer also. तो ऐसा transition धीरे धीरे हम लोगों को इसमें कर लेना है। अब इसमें हम लोग पीछे की तरफ move करेंगे, ना कि ऊपर। तो ये ऐसा हम लोग इसे
स्लाइड करेंगे, ओके इसे यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं। तो ये हमारा इस तरह से शेप एडजस्ट हो जाएगा लाइक दिस, एंड जस्ट कम ओवर हियर एंड सी कि अगर हम लोगों को फ्रंट से भी कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है तो विल डू दैट ऑल्सो। लेट्स डू इट अ बिट स्मॉल, ओके दिस थिंग, राइट। सो जब डिटेलिंग हम लोग कर रहे थे ऑब्वियसली थोड़ा तो हम लोगों को टाइम लगने वाला ही है, पेशेंस की ज़रूरत है, एंड अब थोड़ा सा शेप थोड़ा हमारा प्रॉपर लग रहा है। देन हम लोगों को यहाँ पे शार्पनेस चाहिए बिकॉज एज वी कैन सी यहाँ पे ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा शार्प है, सो विल एड सम शार्पनेस ओवर हियर। सो फॉर दैट वी विल बी एडिंग अ लूप, तो हम लोग यहाँ पे मल्टी कट टूल लेते हैं, कंट्रोल प्रेस करेंगे एंड ऐसा हम लोग एक एज ऐड करेंगे, ठीक है। सो दिस विल एड दिस शार्पनेस टू द शेप, ठीक है। तो एज यू कैन सी ये अब हमारा ज्योमेट्री ऐसा शार्प ज्योमेट्री बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये थोड़ा सा अब बाहर की तरफ है, तो इससे हम लोगों को और अच्छे तरीके से मूव करना होगा, एडजस्ट करना होगा, थोड़ा ज़्यादा अंदर हो गया, लेट्स मूव इट आउट, ठीक है। तो धीरे धीरे आप इसे एडजस्ट करते जाए, राइट। तो ये यहाँ तक अपना सेट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट इज पंचिंग द होल, और ये ऐसा शेप हम लोगों को रेडी करना है। तो इसके लिए पहले तो हम लोगों को थोड़ा सा जो हमारा पॉली काउंट है यानी जो हमारा मेश है इसे थोड़ा हम लोगों को और ज़्यादा डेंस करना होगा बिकॉज वी विल बी नीडिंग मोर पॉली काउंट्स टू ऐड दोज डिटेल्स, ठीक है। जब भी आप ऐसा डिटेल्स कुछ ऐड करना चाहें तो मेक श्योर करें कि आप उसके अंदर उतने पॉली काउंट्स बढ़ा लें, बिकॉज यहाँ पे इस जगह भी हम लोगों को छोटा सा एक शेप है, तो इतने बड़े शेप में अगर आप उसे बनाने जाएंगे तो इट विल क्रिएट लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज़, यानी कि थोड़ा सा आपका ज्योमेट्री ख़राब हो जाएगा, डेंट्स आएंगे, शेडिंग इश्यूज़ आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उतने नंबर ऑफ पॉली काउंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आप उतना छोटा छोटा डिटेल क्रिएट करना चाहते हैं। तो सो व्हाट विल डू, विल गो टू मेश एंड जस्ट इंक्रीज द मेश। तो यहाँ पे हम लोग स्मूथ अप्लाई करेंगे, तो स्मूथ पे आप क्लिक कर लें। जैसे आपने स्मूथ पे क्लिक किया यू कैन सी ये अब हमारा जो पॉली काउंट है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है और यहाँ पे ये थोड़ी सी डेंस शेप अब हम लोगों को मिल जा रही है। सो नाउ दिस विल बी ईजियर फॉर अस टू क्रिएट दिस शेप। अब हम लोगों को ये परफेक्ट इस तरह का ये शेप कट करना है राउंड। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक टेक्निक यूज़ करेंगे विच इज़ नोन एज बुलियन, जहाँ पे हम लोग एक शेप से दूसरे शेप को कट करेंगे। सो फर्स्ट लेट्स क्रिएट दिस शेप जो हम लोग कट करना चाहते हैं एंड देन वी विल रीबिल्ड दैट थिंग। सो इसके लिए लेट्स गो टू पॉलीगॉन मॉडलिंग या फिर क्रिएट में जाके और पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स में से हम लोग चूज करेंगे क्यूब। क्यूब को सेलेक्ट कर लें आप, देन क्लिक एंड ड्रैग लाइक दिस, इस तरह से मैच करते हुए जितना हो सके उतना मैच करते हुए आप उसे बना लें, ठीक है। देन लेटर यू कैन जस्ट राइट क्लिक, गो टू वर्टेक्स, सेलेक्ट दिस वर्टाइसिस, मूव टूल ले लें एंड इसे देन आप ऐसे एडजस्ट कर लें। अब मैं यहाँ पे इसे एकदम एज तक ऐड नहीं करूँगा, आई विल जस्ट कीप इट नियरेस्ट लाइक दिस। इस एज तक मेरे को उसे मैच नहीं करना है, ठीक है। तो मैं इसे नियरेस्ट वैल्यू तक रखूँगा, इनफैक्ट आई विल जस्ट मूव दिस एज, इसे भी मैं थोड़ा सा हल्का स्लाइड कर लूँगा ताकि हम लोगों को थोड़ा सा स्पेस मिले, ब्रीदिंग स्पेस मिले यहाँ पे। ऑलराइट, देन यहाँ का भी टेंशन नहीं है बिकॉज अभी हम लोगों को इसे राउंड करना है। सो नाउ लेट्स कम आउट ऑफ आइसोलेशन एंड वी कैन सी ये हमारा क्यूब ऐसा, अब इसे आइसोलेट कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, इन एजेस को सिलेक्ट करना है लाइक दिस, सिमेट्री ऑन है हमारा तो इस वजह से दोनों साइड का सिलेक्ट हो जा रहा है। एंड देन वी आर गोइंग टू अप्लाई अ बेवल, तो बेवल अप्लाई करते हैं। सो एडिट मेश में जाके आप बेवल ले लें या फिर यहाँ से भी आप ले सकते हैं बेवल। देन यहाँ पे फ्रैक्शन हम लोगों को फुल कर देना यानी 1, सेगमेंट अब हम लोगों को इनक्रीज करना है टू अ वैल्यू ऑफ समथिंग लाइक 4 तक हम लोग इसे करेंगे, ठीक है। दैट विल गिव अस मच बेटर शेप, ठीक है। अगर आप चाहते तो इसे 5 भी रख सकते हैं इनकेस इफ़ यू फाइंड कि यहाँ पे इतना ज़्यादा
डिटेल नहीं क्रिएट हो रहा है तो आप उसे 5 भी रख सकते हैं, बट आई गेस 4 विल डू, कल कीप इट 4, ठीक है। एंड ये हमारा इस तरह से ये शेप बन गया, सो एज यू कैन सी शेप बन गया। देन अब ये काम खत्म नहीं हुआ, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिल जाएंगे, यानी कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा वर्टेक्स मिलेगा। रीज़न इसकी हम लोग ने जो फ्रैक्शन अप्लाई किया तो ये मेल्ट वेल्ड नहीं होते आपस में, यानी कि मर्ज नहीं होते, सो वी हैव टू सिलेक्ट दिस वर्टाइसिस एंड इन्हें हम लोगों को मर्ज कर देना है। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस ऑप्शन विच सेज मर्ज वर्टाइसिस, इसे भी सिलेक्ट करके जी प्रेस करके कमांड को आप रिपीट कर ले, सो आई सेलेक्ट दिस वर्टाइसिस एंड प्रेस जी एंड प्रेस जी। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये आपकी ज्योमेट्री इस तरह से वेल्ड हो गई। ऑलराइट, सो वी डोंट हैव एनी अनवांटेड वर्टेक्स। अब बारी आती है यहाँ पे इस शेप के हेल्प से इस शेप में कट करना, सो फॉर दैट लेट्स प्रेस शिफ्ट आई, हम लोग आ जाते हैं आइसोलेशन से बाहर, इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे मूव करेंगे ऊपर की तरफ, इसे इतना मूव करेंगे जहाँ पे हम लोगों को इंटरसेक्शन मिले, ओके, सो दिस शुड इंटरसेक्ट लाइक दिस। तो इन दोनों को अगर मैं सेलेक्ट करके शिफ्ट आई दबा दूँ तो ये आइसोलेट हो जाएगा एंड यू कैन सी ये ज्योमेट्री से ये ज्योमेट्री हमारा इंटरसेक्ट हो रहा है ऐसा। नाउ आई विल बी यूजिंग अ टूल कॉल्ड बुलियन, जिसके हेल्प से हम लोग इस शेप में इस शेप के हेल्प से कट करेंगे। तो सिलेक्ट द शेप जिसमें से आपको कट करना है, उस शेप को आप पहले सिलेक्ट कर लें, देन सिलेक्ट द अदर शेप जिसके हेल्प से आपको कट करना है, देन गो टू मेश बुलियन एंड यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे डिफरेंस। तो बेसिकली आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं बट इसमें हम लोग चूज़ करेंगे डिफरेंस, सो यू कैन जस्ट गो टू सेटिंग्स एंड यू कैन जस्ट रीसेट, डोंट डू एनीथिंग, अप्लाई एंड क्लोज एंड नाउ यू कैन सी वी गॉट दिस कट लाइक दिस। अब ये नीचे का पोर्शन है, इसकी हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, सो वी आर गोइंग टू जस्ट सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, तो इसका हम लोग सिलेक्शन बना लेते हैं, ओके, सो वी वोंट बी नीडिंग इट, सिमेट्री ऑन कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा सिलेक्शन करने के लिए, लाइक दिस एंड लेट्स डिलीट दिस थिंग। तो ये अब हमारा होल इस तरह से पंच हो चुका है, ठीक है, लेकिन काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, बिकॉज इफ़ आई सी अप स्मूथ प्रीव्यू यू कैन सी ये हमारा ज्योमेट्री इस तरह से खराब हो जा रहा है, वी आर गेटिंग दिस अननेसेसरी डेंट्स एंड बम्प्स, तो ये शेप प्रॉपर नहीं है, सो वी हैव टू फिक्स दिस थिंग। एंड दूसरी चीज़, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारा फ्लोटिंग वर्टाइसेस है एज यू कैन सी ओवर हियर, तो इन सब को भी हम लोगों को फिक्स करना है, तो चलिए इसे फिक्स करते हैं। तो फिक्स आप इसे कैसे करेंगे, अब यहाँ पे आप मैनुअली ड्रॉ करेंगे इस शेप को, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी यूजिंग दिस ऑप्शन विच इज मल्टी कट टूल एंड यहाँ से यहाँ तक मैंने एक शेप को ड्रॉ किया, तो यू कैन सी अब ये क्वाड हो गए, नाउ इफ आई प्रेस 3 ये क्लियर हो जाएंगे, यू कैन सी यहाँ पे ओवरलैपिंग वर्टेक्सेस है, तो इसे हम लोगों को मर्ज करना होगा, तो चलिए इसे भी मर्ज कर लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं मर्ज, सेम हम लोगों को यहाँ पे भी मिलेगा, सिलेक्ट करते हैं मर्ज, ठीक है, सो दैट वो इतनी सी छोटी सी चीज़ हम लोगों को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। देन आई हैव दिस ऑप्शन, यहाँ से यहाँ तक मैं इसे कनेक्ट कर दूंगा, तो ये भी हमारा एक क्वाड बन जाएगा एंड देन आई कैन जस्ट सिलेक्ट दिस वन एंड आई कैन डिलीट इट, देन वी गॉट दिस वन, तो यहाँ भी मैं वही चीज़ करूँगा, आई जस्ट सिलेक्ट दिस वन एंड आई क्लिक इट ओवर हियर, यू कैन सी आई एम मेकिंग अ ट्राइंगल ओवर हियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कहीं पर हम लोग ट्राइंगल्स बना सकते हैं, तो कीप इट लाइक दिस, यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेते हैं, देन विल सिलेक्ट दिस एंड हम लोग इसे कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबा के डिलीट कर लेते हैं लाइक दिस। अब हमारा सामने भी बनते जा रहा है बिकॉज हमारा सिमेट्री ऑन है, तो वी आर क्रिएटिंग द ज्योमेट्री ऑन बोथ द साइड, ठीक है। देन वी हैव अ शेप ओवर हियर लाइक दिस, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐड कर देंगे शेप को एंड देन वी डोंट नीड दिस वन बिकॉज अननेसेसरी ट्राइंगल हम लोग नहीं डालेंगे, जहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पे हम लोग ट्राइंगल रख सकते हैं, बट जहाँ पे ऑप्शन है वहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे कि ट्राइंगल ना रखें, ठीक है। देन आई हैव दिस ऑप्शन, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा एंड क्लिक किया, यहाँ पे भी मुझे ट्राइंगल एक बनाना ही पड़ेगा लाइक दिस एंड फ्रॉम हियर टिल हियर, इसे कट कर दिया, सिलेक्ट कंट्रोल बैक स्पेस और ये हमारा शेप ऐसा बन जाएगा, ठीक है। इस जगह पे भी मैं क्या करता हूँ, एक
ट्रायंगल क्वाड बना लेता हूँ ऐसा, दैट विल बी मच बेटर। डिलीट दिस वन, ओके। तो ये ऊपर और नीचे ऑलमोस्ट सेम हम लोगों को शेप मिल जाएगा, सो वी डोंट वॉन्ट एनी थिंग डिफरेंट लाइक दिस। नाउ इफ आई प्रेस 3, यू कैन सी अब ये हमारा शेप परफेक्ट है, वी आर गेटिंग दिस होल्डिंग एजेस, तो हमारा होल्डिंग एज मिल जा रहा है, वर्टेक्स मिल जा रहा है लाइक दिस। ऑलराइट, नेक्स्ट अब बारी है हम लोगों को ये जो पोर्शन है, शेप है, इसको बनाना है। सो व्हाट वी विल डू, जस्ट राइट क्लिक, गो टू एज, डबल क्लिक दिस एंटायर एज, एंड हम लोग यहाँ पे एक्सट्रूड देंगे। एक्सट्रूड में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे ऑफसेट को लाइक दिस, एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट एन ऑफसेट शेप लाइक दिस। ऑलराइट, लाइक दिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ अनवांटेड एज आ रहा है हम लोगों को, मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे हम लोग डिलीट कर देंगे। विल जस्ट ऑफसेट दिस शेप समथिंग लाइक दिस, ओके, यहाँ तक, एंड देन वी हैव दिस अनवांटेड एज एंड वर्टेक्स, इसे डिलीट कर देते हैं। उसके बाद में हम लोगों को ये एक अलग शेप होने वाला है बेसिकली, सेपरेट पीस। तो व्हाट वी विल डू, लेट्स टेक अ मल्टी कट टूल एंड हम लोग यहाँ पे एक कट ऐड करते हैं। तो टॉप व्यू से ही देखते हैं कहाँ रखना है, तो समवेयर हियर, एंड एक हम लोग यहाँ पे भी रख देते हैं लाइक दिस, एंड देन आई विल जस्ट सिलेक्ट दिस फेस, शिफ्ट के साथ बाजू वाले फेस को हम लोग डबल क्लिक करेंगे एंड ये हमारा पूरा लूप सिलेक्ट हो जाएगा, एंड आई एम गोइंग टू डिलीट दिस। तो यू कैन सी ये अब हम लोगों को ऐसा शेप मिल जा रहा है। आई फाइव प्रेस 3 एंड वी हैव दिस मिडल शेप, और ये प्रॉपर आप देख सकते हैं कि स्मूथ शेप प्रॉपर हम लोगों को मिल जा रहा है। नेक्स्ट है हम लोगों को यहाँ पे अभी इन्हें सेपरेट कर लेना है, सो आई जस्ट सिलेक्ट दिस बोथ एंड आई जस्ट सेपरेट देम, सो लेट्स गो टू मेश सेपरेट, तो ये एक अलग पीस हो गया, ये एक अलग पीस हो गया, एंड देन लेट्स सिलेक्ट दिस वन, डबल क्लिक एच, डबल क्लिक एच, एंड इसे हम लोग एक्सट्रूड करेंगे अंदर की तरफ लाइक दिस, सो दैट इट मेक्स अ शेप लाइक दिस, देन राइट क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, सो जस्ट सिलेक्ट दिस एजेस एंड डबल क्लिक कर लें, एंड इसे हम लोग बेवल दे देंगे ताकि एजेस हम लोग शार्प रख सके लाइक सो। Right click, go to object mode and now see, so you get this very nice ring and shape. So ye hamara shape is tarah se mil ja raha hai. Okay, next ab baari hai hum logo ko yahan pe ye cut banana hai, shape aisa yahan se yahan tak hum logo ko ise cut karna hai, so let's do that also. So let's double click this, ab ye pura loop select ho jayega piche tak, hum logo ko piche tak nahi chahiye, सिर्फ यहाँ तक चाहिए, तो यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके हम लोग इतना डी सिलेक्ट कर लेंगे, तो वी विल बी हैविंग ओनली एज सिलेक्शन टिल हियर, यहाँ तक हम लोगों को मिल जाएगा। अब हम लोगों को वो कट ऐड करना है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे एक बेवल, ओके, एंड देन वी आर गोइंग टू एडजस्ट दोस बेवल वैल्यूज समथिंग लाइक दिस, एंड देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे इन एजेस को या इन फेसेस को सिलेक्ट करके हमें डिलीट कर देंगे लाइक दिस, सेलेक्ट दिस एंड लेट्स डिलीट, ठीक है। अब इसे एक्चुअली नीचे तक डिलीट करना है, तो लेट्स सेलेक्ट एंड आई जस्ट कीप दिस वन एक्टिव और मैं आते डिलीट करता हूँ, क्यों मैं कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। अब उसके बाद वी वॉन्ट टू मेक दिस ऑल्सो अ क्वाड, बिकॉज ये आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज एन एनगॉन, एनगॉन यानी कि ये ज्योमेट्री को जब मैं स्मूथ करूँगा तो दिस इज गोइंग टू स्पॉइल माई शेप, तो ज्योमेट्री हमारी ख़राब होगी, तो इसे हम लोगों को क्वाड बनाना है। तो क्वाड कैसे हम लोग बनाएंगे, आई कैन सिंपली टेक अ मल्टी कट टूल, मैं यहाँ पे इस एच के बीच में एक पॉइंट ऐड करूँगा एंड यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट ऐड कर दूंगा, एंड नाउ यू कैन सी दिस इज एन पॉलीगॉन बिकॉज we are getting this 4 points, 1, 2, 3, 4 and yahan bhi hum log ko mil raha hai ye 4 point, and iske baad mein hum log is point ko select karenge, top view mein aayenge aur ise thoda sa aisa slide karenge like this, so that ye bhi is tarah se ek round shape ban jaye,
सो नाउ यू कैन सी ये हमारा शेप ऐसे धीरे धीरे फॉर्म लेना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, लाइक सो. नाउ लेट्स मॉडिफाई दिस शेप. अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा एंड जैसा हम लोगों ने इसे एक्सट्रूड किया था वैसा हम लोगों को इसे भी एक्सट्रूड करना है. जस्ट डबल क्लिक दिस थिंग टू मेक अ सिलेक्शन. नाउ इस एज को रखने का रीज़न ये था कि अगर ये एज या फिर ये फेस यहाँ पे नहीं होगा, अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो इट इज़ गोइंग टू सिलेक्ट माई एंटायर शेप, दैन उसके बाद मैं डी सिलेक्ट और ये सब चीज़ करने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, ठीक है. तो इसीलिए मैंने क्या किया था, उसे ऐसा रखा हुआ था. अभी उसे मैं डी सिलेक्ट कर देता हूँ. आई कैन सिलेक्ट दिस, डबल क्लिक, आई कैन डी सिलेक्ट दिस थिंग कंट्रोल प्रेस करके, एंड नाउ आई कैन डू एन एक्सट्रूड लाइक सो इन लोकल जी एक्सिस लाइक दिस, एंड देन आई कैन सिंपली सिलेक्ट एंड डिलीट दिस वर्टेक्स और फेस, एंड उसके बाद हम लोग इसे मॉडिफाई करेंगे. सो आई कैन जस्ट सिलेक्ट दिस एंड मूव इट डाउन, कैन सिलेक्ट एंड मूव इट डाउन, स्लाइड कर लेते हैं हम लोग इसे धीरे से लाइक सो. So, and then we will select this one and इसे भी हम लोग extrude कर लेंगे. तो let's extrude like this and then we can just merge this two vertices. So इसे select करके हम लोग क्या करेंगे, merge कर लेंगे. So let's select and merge those vertices. So now we have this shape. यहाँ पे vertex करना merge करने की ज़रूरत है मेरे ख्याल से. Select and merge. So now this. So this looks much better and ये shape हमारा थोड़ा सा better हो गया. अब थोड़ा सा इसमें और detail की ज़रूरत है because यहाँ पर ये सा round हो जा रहा है, हम लोगों को इसे sharp रखना है. So to make it sharp, I will be putting a edge around it. तो इसके लिए let's take a multi-cut tool. यहाँ पर हम लोग control press करके एक नज़दीक में edge रख देंगे जिससे कि वो sharpness आ जाएगा, and यहाँ से भी हम लोग एक edge add कर देंगे. That will add the sharpness. Same यहाँ पे भी हम लोग करते हैं like this. Let's see if I don't spoil the shape. थोड़ा सा हम लोग ऐसे vertex पकड़ेंगे और इसे slide करेंगे. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है guys कि आप properly flow adjust करें बिना geometry को ख़राब किए like so. Alright. Like this. अब यहाँ पे हम लोगों ने एक एच डाला था लेकिन लगता है इंसर्ट नहीं हुआ. लेट्स टेक अ मल्टी कट टूल, लेट्स पुट अ एच लाइक दिस. तो ये भी पूरा लूप हो गया. नाइफ आई प्रेस 3, यू कैन सी वी हैव दिस वेरी शार्प डिटेल्ड ज्योमेट्री एंड परफेक्ट ये शेप हम लोगों को यहाँ पे मिल जा रहा है. यू कैन सी द डिटेल, द लेवल ऑफ डिटेल ऑन दिस ज्योमेट्री. ये जो फ्लो है, कर्व है, ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हम लोगों को यहाँ पे जा रहा है. यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट करने के बाद हम लोग हल्का सा एक बम्प देख सकते हैं, बट दैट इज कम्प्लीटली फाइन. व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट सिंपली स्पेस आउट दिस एजेस थोड़ा सा ताकि यहाँ पे ब्रीदिंग स्पेस मिले, तो ये वहाँ से वो डेंट हल्का सा कम हो जाएगा, ठीक है. तो दैट मच इज वी कैन इग्नोर. ओके, नाउ ये हो गया. अब हम लोगों को तैयार कर रहा है हमारा स्क्रोल व्हील. तो स्क्रोल व्हील के लिए वी विल बी यूजिंग अ टॉरस. तो यहाँ पे हम लोगों को शेप मिल जा रहा है टॉरस, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन लेट्स क्लिक एंड ड्रैग फ्रॉम द साइड व्यू. तो ये आउटर रेडियस बन गया. उसके बाद मिडल माउस से हम लोग लेफ्ट एंड राइट करेंगे टू मेक अ थिकनेस लाइक दिस, एंड उसके बाद हम लोग चेतो आके एडजस्टमेंट कर सकते हैं. तो लेट्स रिड्यूस द रेडियस, रिड्यूस द सेक्शन रेडियस. तो ये अब आपका मैनुअल स्टेप हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा जो आपको फॉलो करना है. सो लेट मी जस्ट पोजिशन इट लाइक दिस एंड हम लोग आइसोलेट से बाहर आते हैं जस्ट टू सी, एंड देन आई कैन जस्ट सिलेक्ट ऑल ऑफ देम एंड आइसोलेट. ठीक है, ये हो गया. अब हम लोग इसे पोजीशन करते हैं. नाउ एज यू कैन सी, अगर मैं साइड से एडजस्ट करूंगा तो ऊपर जाएगा, आगे से एडजस्ट करूंगा तो यहाँ से भी क्या होएगा, ये ऐसा आगे मूव हो जाएगा. तो वी डोंट वांट टू लुक एट दिस शेप, वी विल क्रिएट इट अकॉर्डिंग टू आवर
पर्सपेक्टिव हमारे हिसाब से हम लोग यहाँ पे इसे बना लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, तो इट विल नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम लाइक दिस. ओके, सो आई फील दिस टू बी ओके. अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसमें एक्सेस इंक्रीज करेंगे, तो लेट्स डबल क्लिक ऑन दिस वन. सॉरी, इसे सेलेक्ट कर ले, सब डिवीजन को सिलेक्ट कर ले, एंड यहाँ पे आप एक्सेस को इंक्रीज कर ले जस्ट लाइक दिस. सो लेट्स मेक इट समथिंग लाइक अराउंड 40 और सो, ठीक है, और 38 रखते हैं. एंड देन लेट्स आइसोलेट दिस वन, और अब हम लोग इस पर डिटेल का काम करेंगे. तो अब हम लोगों को क्या चाहिए, एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे ये ऐसा कट है, ठीक है, टॉप पार्ट पे, एंड देन वी हैव द अदर शेप्स. तो ये इतना हम लोगों को यहाँ पे ऐसा कट का शेप चाहिए. सो फर्स्ट थिंग, लेट्स सिलेक्ट ऑल द ज्योमेट्री, ठीक है, सारे हम लोगों को ज्योमेट्रीज को सिलेक्ट करना होगा, या एजेस को सिलेक्ट करना होगा, या फिर हम लोग क्या करेंगे, लेट्स जस्ट सिलेक्ट दिस फेसेस, इतने फेसेस को हम लोग सिलेक्ट करते हैं जस्ट लाइक दिस. ओके, एंड देन अब मुझे क्या करना है, सबके लिए ऐसा सिलेक्शन बनाना है. ओके, आई वॉन्ट टू सिलेक्ट ऑल द शेप. ओके, बट अब इशू क्या है, यहाँ पे अगर मैं एक एक को सिलेक्ट करते बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, और मुझे बहुत परफेक्टली सिलेक्शन भी शायद ना मिले और टाइम चला जाएगा. सो आई विल यूज़ अ क्विक ऑप्शन, जहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई विल बी यूजिंग अ टूल विच इज़ नोन एज सिमिलर. तो अगर हम लोग सिलेक्ट में चले जाएँ तो यहाँ पे हम लोग को एक ऑप्शन मिलता है सिमिलर का. तो जितने भी तरीके के आपने शेप को सिलेक्ट किया, या फिर ऑप्शन को आपने सिलेक्ट किया, या एजेस वर्टाइसिस को आपने सिलेक्ट किया है, वैसे ही सिमिलर सिलेक्शन अगर आपको करनी है तो आप यहाँ से सिमिलर पे क्लिक कर सकते हैं. तो जैसे मैंने सिमिलर पे क्लिक किया, यू कैन सी हमारा ये ऐसा सारा एज सिलेक्ट हो गया, जैसा मैंने सिलेक्शन बनाया था उसी तरह का उसने सिमिलर सिलेक्शन हम लोगों को बना के दे दिया. नाउ वी विल अप्लाई अ बेवल लाइक दिस, थोड़ा सा फ्रैक्शन हम लोग कम करते हैं ऐसा. ओके, देन राइट क्लिक, सिलेक्ट दिस फेस, दिस फेस, दिस फेस, और व्हाट आई कैन डू, आई कैन आल्सो ऐड वन मोर सेगमेंट, ठीक है, जस्ट टू बी परफेक्ट ऑन दिस शेप, लाइक दिस. ठीक है, अब मैंने सिलेक्शन कर लिया. अगेन सारे सिलेक्शन करने मुझे, तो एक एक नहीं करूंगा, आई विल गो टू सिलेक्ट एंड आई विल चूज सिमिलर. जैसे मैंने सिमिलर पे क्लिक किया, इट विल सिलेक्ट ऑल द सिमिलर ऑब्जेक्ट्स लाइक सो. अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे एक्सट्रूड को, ठीक है, एंड देन लोकल जी, थोड़ा सा हम लोग इसे मूव करेंगे, एंड ये हमारा शेप बन गया लाइक सो. अब मैं प्रेस 3, यू कैन सी हमारा ये स्क्रोल व्हील ऐसा हम लोगों को दिखाई देगा. ठीक है, नाउ यू विल बी वंडरिंग कि यहाँ पे हम लोगों को एनगॉन मिल जा रहा है, ये शेप ऐसा खराब तो नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट मी शो यू वन मोर ट्रिक. अगर आप यहाँ पे ऐसा कोई ज्योमेट्री बनाते हैं जहाँ पे आपको ऐसा एनगॉन मिल जा रहा है, या फिर 6 पॉइंट या 5 पॉइंट का ज्योमेट्री मिल रहा है, तो कभी कभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है. व्हाट यू कैन डू, सिंपली सिलेक्ट दिस ज्योमेट्री एंड अप्लाई अ स्मूथ. ठीक है, एक स्मूथ आप अप्लाई कर दो एंड सी व्हाट दिस स्मूथ विल डू. जैसे ही आपने स्मूथ अप्लाई किया, यू कैन सी स्मूथ ने ऑटोमेटिकली वो जितने भी हमारे एनगॉन थे उनको उसने क्वाड में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, तो जब आप स्मूथ अप्लाई कर देते हैं, तो अगर आपके ज्योमेट्री में कहीं पे ट्रायंगल या एनगॉन होगा, तो माया ऑटोमेटिकली स्मूथ अप्लाई करते ही उसे क्वाड्स में कन्वर्ट कर देता है. एंड नाउ वी आर आउट ऑफ दैट इशू ऑफ एनगॉन, और हमारा ये शेप भी हम लोगों को मिल गया. नाउ इफ आई प्रेस शिफ्ट आई कैन गो आउट एंड यू कैन सी ये हमारा स्क्रोल व्हील ऐसा हम लोगों को मिल जा रहा है लाइक सो. लेट मी जस्ट मूव इट अ लिटिल बिट डाउन एंड कीप इट लाइक दिस. Okay, so this shape looks good. If you want, you can just play with the size and scales like so. तो ये हमारा स्क्रोल व्हील ऐसा हम लोगों को मिल जाएगा. ठीक है, so once this is done, we are done with the top part. अब बारी आती है इन दोनों shapes की. तो इनमें तो ज़्यादा basically आपको कुछ करना नहीं है, just select the shape, shift I, right click, डबल क्लिक करें इन एजेस को, और इन्हें आपको सिर्फ क्या करना है, एक्सट्रूड अंदर की तरफ, यानी लोकल ट्रांसलेट जी लाइक सो. देन राइट क्लिक, गो टू एजेस, डबल क्लिक
टू सिलेक्ट द एज लुक, ठीक है, एंड देन सिंपली अप्लाई अ बेवल कंपोनेंट, एक सेगमेंट फ्रैक्शन थोड़ा कम करें, एंड वी हैव दिस शार्पनेस, शिफ्ट आया आप दबाएंगे तो यू कैन सी वी गॉट दिस शार्पनेस. ओके, इफ यू फाइंड द गैप टू बी वेरी हाई यू जस्ट मूव दिस शेप लाइक दिस, तो थोड़ा सा हम लोग गैप को कम कर देंगे, तो ये हम लोगों को अब शेप मिल जा रहा है ऐसा कुछ, ठीक है. सेम इसके साथ भी करना है, शिफ्ट आया दबाएंगे एंड देन जस्ट राइट क्लिक. अब यहाँ पे हम लोग को सिर्फ ऊपर वाले को करना है, नीचे वाले को नहीं, जस्ट डबल क्लिक करते हैं एंड देन एक्सट्रूड लोकल जी एक्सिस लाइक सी एंड जस्ट डबल क्लिक अप्लाई अ बेवल लो फ्रैक्शन दो सेगमेंट एंड वी गॉट दिस ज्योमेट्री. रिप्रेस करते हैं वी गॉट दिस शार्प शेप, ठीक है. इसे भी थोड़ा सा हम लोग ऊपर करके प्रॉपरली शेप की जगह पे लेके आते हैं. यू कैन सी हाउ नाइसली इट इज मैचिंग विद द ग्रूव एंड शेप. ये शेप ऑलमोस्ट हमारा हाउस का बन के रेडी है. सिर्फ अब नीचे का हम लोगों को क्या करना है, इसे फिल कर देना है. नाउ आई विल नॉट बी एडिंग दिस काइंड ऑफ डिटेल बिकॉज आई डोंट फील लाइक इसके ऐड करने की जरूरत है, बिकॉज इसको हम लोग और भी बहुत तरीकों से अचीव कर सकते हैं, जैसे टेक्सचरिंग में नॉर्मल मैप्स एंड बम्प मैप्स के हेल्प से भी हम लोग ये चीज़ें अचीव कर सकते हैं. सो आई विल नॉट बी क्रिएटिंग दैट थिंग, ठीक है. तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, इसे फिल करते हैं. तो फिल करने के लिए आप इसे डबल क्लिक करें, देन गो टू मेश एंड जस्ट डू अ फिल, देन सिलेक्ट दिस स्पेस एंड इसे आप एक्सट्रूड कर लें, यानी थोड़ा सा ऑफसेट करें लाइक सो. इस तरह से हम लोग इसे ऑफसेट कर लेंगे जहाँ तक हो सके. ऑलराइट, तो ये हम लोगों का एक स्मूथ फ्लैट सरफेस बन जाएगा ऐसा. देन जस्ट राइट क्लिक दिस एच, इस पे भी हम लोग बेवल अप्लाई कर देते हैं, सेगमेंट दो फ्रैक्शन कम एंड वी हैव दिस ज्योमेट्री. बट जैसे ही मैं इसे स्मूथ करूंगा यू कैन सी जो मिडल का हमारा शेप है ये खराब हो जा रहा है, ठीक है. तो इसे भी हम लोगों को फिक्स करना है, इसे भी हम लोगों को करेक्ट करना है. वी डोंट वॉन्ट टू लीव एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है. परफेक्ट एक क्वाड और एक हाई क्वालिटी ज्योमेट्री हम लोगों को चाहिए. सो टू फिक्स करने के लिए हम लोग राइट क्लिक करेंगे, वर्टेक्स में जाएंगे, विल सिलेक्ट वर्टेक्स एंड एज यू कैन सी सिमेट्री की वजह से दोनों साइड के वर्टेक्स सिलेक्ट हो गए. अब हम लोग शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करेंगे एंड चूज करेंगे कनेक्ट कॉम्पोनेंट, सिलेक्ट करें, या फिर आप जा सकते हैं एडिट मेश में एंड यू कैन चूज कनेक्ट, ये ऑप्शन भी चलेंगे. तो आप यहाँ पे फटाफट इन्हें सिलेक्ट करके फिल कर ले. तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्विकली एक एक वर्टेक्स को सिलेक्ट करके जी प्रेस कर रहा हूँ लास्ट कमांड रिपीट करने के लिए. राइट, लाइक सो. तो ये हमारा इस तरह से कनेक्शंस बन के रेडी हो जाएगा. एंड देन उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक इसको भी कनेक्ट करना है. बट एक बार आपने बीच के ये एजेस डाल दिए तो उसके बाद आप कनेक्शन अब कनेक्ट काम नहीं करेगा. इफ़ यू सिलेक्ट एंड ऑल इफ यू ट्राई टू ऐड अ कनेक्ट इट विल नॉट गोइंग टू कनेक्ट, तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि बीच में हम लोगों को ऑलरेडी एजेस आ रहे हैं. तो कनेक्ट को काम करने के लिए दो ओपन वर्टाइसिस चाहिए होते हैं. तो अब यहाँ पे ओपन तो नहीं है, यहाँ पे बीच में एजेस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग यहाँ पे मल्टी कट टूल का इस्तेमाल करेंगे. विल क्लिक ओवर हियर एंड विल क्लिक ओवर हियर, ये हमारा इस तरह से शेप बन के रेडी हो जाएगा. देन यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्लिक कर लेंगे और ये भी हमारा शेप बन जाएगा लाइक दिस. एंड देन वी हैव दिस नाइस क्लीन टोपोलॉजी, तो ये हमारी टोपोलॉजी क्लीन हो गई. एंड एज यू कैन सी दिस इज आवर माउस, तो दिस इज आवर फाइनल माउस, ठीक है. तो ये नीट एंड क्लीन हाई क्वालिटी मॉडल हमारा मिल गया. अब ऐसा नहीं है कि फिनिश हो गया, आप चाहिए तो इसमें और भी रिफाइनमेंट्स कर सकते हैं. तो इफ़ यू फाइंड सम प्लेसेस टू बी नॉट दैट परफेक्टली कनेक्टेड तो आप वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत, अब आपके ऊपर है आप कितना उसमें रिफाइनमेंट करना चाहते हैं, ठीक है. अब आ रही है यहाँ पे वायर बनाने की. अगर आप वायर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, ठीक है. आई डोंट वॉन्ट टू क्रिएट दैट थिंग बिकॉज मुझे ये ऐसा वायरलेस माउस ही पसंद आ रहा है, ठीक है. बट स्टिल लेट मी शो यू हाउ यू कैन क्रिएट वायर. वायर कैसे बनाना है वो आपको ऑलरेडी पता है. अगर आप लोगों ने मेरी शैंडेलियर वाली लेक्चर देखी होगी तो उसमें जैसे मैंने पाइप बनाया था वैसे ही हम लोगों को वायर बनाना है. तो स्टिल लेट मी जस्ट क्विकली क्रिएटेड. तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्रिएट में जाना है, कर्व टूल में जाके आप सी वी कर्व टूल ले लें एंड देन लेट्स ड्रॉ
a curve like this. So I just quickly draw a shape like this. ठीक है, ये हमारा एक पाथ ड्रॉ हो गया, इसे हम लोग रिफाइन कर सकते हैं. यू कैन जस्ट रिफाइन इट एज पर योर नीड, अपने नीड के हिसाब से आप इसे और रिफाइन कर लें लाइक सो. ऑलराइट, देन गो टू ऑब्जेक्ट मोड. अब हम लोग क्या करेंगे, इस माउस को ऊपर की तरफ ऐसे मूव कर लेते हैं लाइक दिस लाइक सो. एंड ओवर हियर वी कैन सी सम थिंग इशू कि यहाँ पे थोड़ा सा डेंट आ रहा है. तो जस्ट राइट क्लिक एंड गो टू वर्टेक्स एंड सी, वी कैन सी देयर इज अ फ्लोटिंग वर्टेक्स. ये एक फ्लोटिंग वर्टेक्स है, ये हम लोगों को नहीं चाहिए. तो सिलेक्ट करें एंड इसे बैक स्पेस दबा दें. लेट सी अदर वेज ऑल्सो, और भी कहीं पे है क्या? नो, डजंट लुक्स लाइक. सिर्फ आगे हम लोगों को मिल रहा था, तो इसे हम लोग डिलीट कर देते हैं. लेट्स मूव दिस पाथ ऑन अ लोकेशन. अब वैसे तो पाथ को मूव करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल लेट्स मूव इट. अब हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट में जाते हैं, नर्व्स में एक सर्कल लेंगे एंड एक सर्कल क्रिएट करते हैं छोटी सी. एंड देन लेट्स सेलेक्ट दिस एंड दिस, देन गो टू सरफेस एक्सट्रूड एंड यू कैन एक्सट्रूड दिस शेप. तो सिलेक्ट कर लिया आप लोगों ने. मुझे क्वाड चाहिए, यानी कि मुझे पॉलीगॉन ज्योमेट्री बनाना है. तो क्वाड्स, जनरल, एड ट्यूब, एड पाथ, एड कंपोनेंट, प्रोफाइल, ये सब मेरा राइट हैंड साइड वाले ऑप्शन सिलेक्टेड होंगे. ठीक है, एंड देन आई विल से अप्लाई. एंड देन ये हम लोगों को एक ऐसा शेप मिल जाएगा क्वाड का. अब हम लोगों को क्या करना है, नर्व्स टेसिलेशन में जाना है. यू नंबर हम लोगों को इंक्रीज करना है समथिंग लाइक 8. देन वी नंबर हम लोगों को इंक्रीज करना है टू द मैक्सिमम, या फिर उससे भी ज़्यादा. तो मैक्सिमम 32 है, बट उससे चाहिए तो मैं एक्स्ट्रा भी क्रिएट कर सकता हूँ इफ़ आई जस्ट मैनुअली पुट. तो मैं यहाँ पे मैनुअली समथिंग लाइक 60 ऐड कर लेता हूँ. तो यू कैन सी ये हम लोगों को यहाँ पे हमारा ऐसा एक पॉलीगॉन ज्योमेट्री मिल जा रहा है. अब चाहिए तो इसे आप और मोटा कर सकते हैं. तो इसे सिंपली सिलेक्ट दिस सर्कल एंड यू कैन जस्ट गो एंड जस्ट इंक्रीज द रेडियस इफ़ यू वॉन्ट टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ दिस माउस. अब 3 प्रेस करके स्मूथ देखें, इसे थोड़ा सा इंटरसेक्ट कर लेते हैं हम लोग. एंड देयर वी गो. तो ये हमारा माउस का वायर मिल जा रहा है. लेट मी जस्ट हाइड द कर्व्स. इसे हम लोग कर्व्स लेयर में ऐड कर देते हैं लाइक सो. ऑलराइट, तो ये है हमारा फाइनल माउस एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. एंड आई होप आप लोगों को मॉडल पसंद आ रहा होगा. इफ आई सेलेक्ट द ज्योमेट्री यू कैन सी दिस इज द फाइनल ज्योमेट्री. एंड इस तरह से हमारा एक पॉलीगॉन मॉडल बनता है. एंड दिस इज अ डिटेल मॉडलिंग दैट वी आर डूइंग. ऑलराइट, सो आप लोग भी प्रैक्टिस करें, बनाएं इसे एंड आपके वर्क मेरे साथ शेयर करें. मैंने इंस्टाग्राम तो आप लोगों को बताया है कि इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं. मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम की पेज तैयार कर लिया, यानी टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है. तो वहाँ पे भी मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐड करूँगा. अगर आप लोग क्विकली ज्वाइन कर ले ग्रुप्स को, तो ग्रुप्स एंड सब्सक्रिप्शन के लिंक नीचे मिल जाएगी आपको. सब्सक्रिप्शन कम्प्लीटली फ्री है, तो सब्सक्राइब कर ले मेरे टेलीग्राम पेज को एंड ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले. आपके वर्क आप ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं. ऑलराइट, सो गाइज, दिस इज़ फॉर टुडे. दिस वॉज योर पॉलीगॉन हार्ड सरफेस डिटेल मॉडलिंग. इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नया सीखेंगे. तब तक के लिए आप लोग इतना प्रैक्टिस करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग.